Hey guys, good morning. So today this video is a very special video that I decided to do because बहुत लोग मुझे Twitter में आके ये बोलते हैं कि like आप किस तरीके का stocks को अपने portfolio को hold करते हो, ठीक है? And then what are the investment checklist क्या है, right? मतलब आप एक company में ऐसा क्या खासियत देखते हो जिसके बाद आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, got it? तो मुझे लगा मैं ये छोटा सा एक वीडियो बनाऊं जहां पे मैं आपको तीन लाइव केस स्टडीज दे के अपना लॉजिक समझाऊं, got it? तो पहले समझते हैं थ्योरी के पार्ट को, ठीक है, कि मैं किस तरीके के कंपनीज को शॉर्टलिस्ट करता हूँ, एंड देन उसके बाद आई गिव यू थ्री एग्जांपल्स, ठीक है। अब उन तीनों में से मेरे 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 पोर्टफोलियो में दो कंपनीज का पोजीशंस है, तो ऑफ कोर्स आई विल डिस्क्लोज द नेम एंड एज वेल एज माय पोजीशन सो दैट कोई कॉन्फ्लिक्ट ना आए। एंड ऑफ कोर्स ये तो बोलने की बात है ही नहीं कि लाइक कोई स्टॉक रिकमेंडेशन ये है नहीं, बट मुझे ये नाम लेके आपको बोलना पड़ रहा है बिकॉज ये जो खेल हो रहा है वो अभी का हो रहा है। सो इफ आई डोंट टेक द नेम कोई सेंस नहीं बनता है सिर्फ थ्योरी बोल के छोड़ देने का, वो तो हर किताबों में भी होता है, राइट? सो पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि ले किस तरीके का कंपनीज को मैं ट्रैक करता हूँ और किस तरीके के कंपनीज में इंटरेस्टेड रहता हूँ। पहला पॉइंट तो ये है कि वो जो कंपनी है वो स्केलेबल होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि अगर मेरे कंपनी का साइज छोटी है, राइट, और वो नया नया शहरों में जा रहे हैं, नया नया गांव में जा रहे हैं, नया नया ब्रांचेस खोल रहे हैं, नया नया डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स खोल रहे हैं, ओके, तो मतलब मुझे ऐसे कंपनीज चाहिए जो आगे आगे का स्कोप ऑफ अपॉर्चुनिटीज वेरी लार्ज। मुझे ऐसे कंपनीज नहीं चाहिए जो ऑलरेडी हर जगह फैला हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल HDFC, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर। मुझे ऐसे कंपनीज से कोई दिलचस्पी नहीं है जो ऑलरेडी फैल चुका है और इनका जैसे सिर्फ और डिविडेंड्स देते रहते हैं, ठीक है? तो मुझे ऐसे कंपनी चाहिए जिसका पेस ऑफ ग्रोथ बहुत हाई हो, और पेस ऑफ ग्रोथ उन्हीं कंपनीज में आता है जिनका साइज छोटी हो, ठीक है? ये हो गया पहले वाला पॉइंट। अब बिना इसे छोटी वाली साइज, तो जनरली आप देखोगे ऐसे कंपनीज का मार्केट कैप भी सब 10,000 करोड़, 5,000 करोड़, 20,000 करोड़ के आसपास होता है। कुछ कंपनी जैसे है जो 40,000-50,000 करोड़ के आसपास चला गया है, लेकिन स्टिल दे हैव अ लॉट ऑफ स्कोप टू ग्रो। बट अ लार्ज मार्केट कैप, लेट्स से 5 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, 15 लाख करोड़, दैट क्लियरली टेल्स यू कि ये कंपनी फैल चुका है एटलीस्ट इंडिया में। और आप एक ट्रेंड देखोगे वैसा कंपनी ना, तब ये बांग्लादेश और नेपाल और मिडल ईस्ट में जाने का बात करता है, ठीक है? इट्स नॉट अ जनरल रूल। बहुत कंपनी छोटे होके भी आज मिडल ईस्ट में जा रहे हैं, लेकिन आई एम टेलिंग यू कि जब कंपनीज को इंडिया में मौका नहीं मिलता है तब वो बाहर जाता है। इसका एक अच्छा एग्जांपल है आइशर मोटर्स, राइट? इसका आप देखोगे आइशर मोटर्स का जब वो छोटे मार्केट कैप वाला कंपनी इंडिया में स्केल अप कर रहा था, वो स्टॉक मल्टी मल्टी बैगर बना, लेकिन वो 2017-18 के बाद से वो थाईलैंड में गया, ऑस्ट्रेलिया में गया, यूएस में गया, तब से आप देखोगे उसका खेल में मतलब प्रॉब्लम आने लग गया, बिकॉज इंडिया में उनका बाइक्स का सेल्स का ग्रोथ पिछले 4-5-6 साल में, नॉट सेल्स आई मीन लाइक द वॉल्यूम ग्रोथ, वो कुछ है ही नहीं, राइट? तो इस तरीके के कंपनीज को मैं देखता हूँ कि छोटी साइज की होनी चाहिए। अब दूसरी बात जो मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे कंपनी का कोई प्रोडक्ट का यूनिक प्रोपोजिशन है कि नहीं। मतलब क्या, मुझे एक ब्रांड भी चाहिए, राइट? मुझे कोई कॉमोडिटी नहीं चाहिए, बिकॉज कल कोई भी आके मेरे कंपनी के बाजू में दुकान खोल देगा और मेरे कस्टमर्स को लेके जाएगा। मैं चाहता हूँ मेरे कंपनी का छोटी हो लेकिन उसका एक अच्छा ब्रांड भी हो, ठीक है? डोंट वरी, मैं सबका एग्जाम्पल दूंगा आपको, ठीक है? अभी सिर्फ लॉजिक समझो, ठीक है? तो उसका एक ब्रांड हो ताकि उसको स्केल करने में भी उसको आसानी हो। मतलब जब वो नया शहर में जा रहे हैं, वहां के लोगों को ऑलरेडी पता है कि अच्छा ये कंपनी तो हम जानते थे, चलो अब हमारे इलाके में इसका दुकान भी बैठ गया, तो कस्टमर्स वही जाएंगे, करेक्ट? तो ये बनता है दूसरी कैटेगरी के प्रोडक्ट। तीसरा ऑफकोर्स मैं देखता हूँ कि एक प्रोडक्ट का अंडरस्टैंडिंग लेवल हाई होनी चाहिए। अगर आप मुझे बोलोगे ना कि एक सुजलॉन ले लो, टीटागोर वैगन्स ले लो, ये ले लो, वो ले लो, मुझे ऐसे वो रेलवे वैगन, ठीक है, उतना समझ नहीं आता है। तो अगर मेरा प्रोडक्ट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो मैं अगर एक कंपनी कोई अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है, सिर्फ नंबर्स के बेसिस पे मैं उसको खरीद नहीं सकता हूँ। बिकॉज आगे जाके अगर किसी दिन स्टॉक 5-10% गिरता भी है, मुझे समझ में ही नहीं आएगा कि प्रॉब्लम क्या हुआ है, राइट? और जब तक मुझे प्रॉब्लम समझ में आएगा ना, मेरे से बेटर जिनका अंडरस्टैंडिंग है ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड ऑन दैट बिजनेस, वो अपने स्टॉक बेच के निकल जाएगा, राइट? और मैं तो बैठा रहूंगा। सो ये बनता है तीसरा वाला पॉइंट। अब फोर्थ वाला पॉइंट मुझे क्या चाहिए, जैसे मैंने ब्रांड का बात किया, स्केलेबिलिटी का बात किया, मैं देखता हूँ कि लाइक आरओई क्या है बिजनेस का, रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब शेयर होल्डर के कैपिटल में कंपनी कितना बना के दे रहे और उसका आगे का ट्रेजेक्टरी क्या हो रहा है। देखिए, एक छोटी कंपनी में ना, यही एक चीज मैंने सुबह को ट्वीट किया, एक छोटी कंपनी का आरओई आपको बहुत तगड़ा नहीं मिलेगा। छोटी कंपनी में बैलेंस शीट आपको थोड़ा टूटा फूटा मिलेगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस नहीं मिलेगा। क्यों? बिकॉज जो भी पैसा मिल रहा है ना, वो कंपनी वो पैसे को डिप्लॉय कर रहा है वापस बाजार में, करेक्ट? क्योंकि उसको नया दुकानें खोल रहा है, नया ब्रांचेस खोलना है, नया डिस्ट्रीब्यूशन चैनल खोलना है, राइट? नया फ्रेंचाइजी करना होगा,
नया जगह में उनको रेंटल अग्रीमेंट में जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक कंपनी जो छोटी कंपनी है उसका रिटर्न ऑन इक्विटी कभी हाई नहीं होगा। लेकिन हम जब एक कंपनी को ट्रैक करेंगे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ट्रैक करेंगे, तो देखेंगे आरओई किस तरफ जा रहा है। और मुझे एक टाइप का मैनेजमेंट बहुत अच्छा लगता है जो कॉनकॉल में ही बता देता है कि आरओई मतलब प्रोजेक्टेड आरओई क्या हो सकता है। क्योंकि सोचिए आरओई का फॉर्मूला है नेट इनकम टू इक्विटी, करेक्ट? तो सोचिए अगर कोई कंपनी का 15% का आरओई है और आगे जाके वो बोला कि वो 25% का आरओई करेगा, तो ऑन दैट सेम इक्विटी बेस आप एक मोटा मोटी बैकअप देने वाला कैलकुलेशन कर सकते हो कि नेट इनकम का ग्रोथ क्या आएगा इन दैट पर्टिकुलर फेज, राइट? तो इसका क्या मतलब, आप जब कोई स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो आपको पता है कि आपका एक्सपेक्टेशन क्या है उसमें। ऑफकोर्स ये मैनेजमेंट का एक्सपेक्टेशन है, और आपका फिर अगले क्वार्टर से क्या काम होगा कि उसी स्टॉक को ना ट्रैक करना और देखना कि मैनेजमेंट ने जो आरओई का मतलब जो जो प्रोजेक्टेड आरओई का बात किया है क्या वो उस तरफ हम जा रहे कि नहीं। गॉट इट? तो इस तरह से मैं अपने बिजनेस को इन्वेस्ट करता हूँ, बिकॉज मैं चाहता हूँ मेरे कंपनी का डबल डिजिट का टॉपलाइन का ग्रोथ हो। ठीक है, डबल डिजिट का टॉपलाइन का ग्रोथ, और अगर मैं थोड़ा सा टॉपलाइन का भी बात कर दूं, वॉल्यूम ग्रोथ और वैल्यू ग्रोथ होता है, राइट? मतलब मैं ज्यादा सामान बेचूं या फिर जो कि वॉल्यूम ग्रोथ है, और वैल्यू ग्रोथ क्या है कि एग्जिस्टिंग जो भी मैं सामान बेच रहा हूं उसका प्राइस हाइक हो रहा है। अब मुझे ब्रांड क्यों चाहिए? ब्रांड इसलिए चाहिए ताकि मैं एटलीस्ट इन्फ्लेशन के कॉस्ट को मतलब पास ऑन कर सकता हूं। मतलब मुझे वैल्यू ग्रोथ 6-7% मिल गया, और मेरे जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो मैंने बोला कि जो मेरे को चाहिए, राइट, कि नए नए शहरों में जाए, उससे मुझे वॉल्यूम ग्रोथ मिलेगा। तो वॉल्यूम ग्रोथ और वैल्यू ग्रोथ मिलके मुझे टॉप लाइन का चाहिए 20-25% का ग्रोथ, राइट? अब लोग बोलेंगे लाइक ये बहुत ज्यादा है, लेकिन मेरे एक्सपेक्टेशन ही ज्यादा है स्टॉक मार्केट से। अगर मेरे एक्सपेक्टेशन 5-10% होता तो मैं एफडी कर देता, राइट? मैं मार्केट में आता हूँ वैसे कंपनीज का जिसका टॉप लाइन 20% हो या 20% से ऊपर हो। और अगर आप थोड़ा बहुत मतलब ध्यान से इक्विटी रिसर्च करोगे ना, आपको ऐसे कंपनीज मिलेगा। हमारे देश में ऐसे 50-60-70+ कंपनीज जो मुझे ही आता है, जो आज है, जिसका टॉप लाइन 20% से ग्रो कर सकता है इन द नेक्स्ट 1-3 years। गॉट इट? तो ये बनता है कैटेगरी, करेक्ट? तो हमने ग्रोथ का बात किया और हमने आरओई का बात किया, और उसके साथ क्या चाहिए मुझे के लिए? जब मैं कोई कॉन कॉल पढ़ता हूं, मैं देखता हूं कि मैनेजमेंट का बुलिशनेस कितना है, राइट? मतलब केपेक्स, मतलब आपने बता दिया 15-25% का आरओई होगा, और मैं यू थोड़ी मान लूंगा, मैं देखूंगा वो जो सेंटेंस बोला उसके नीचे उन्होंने केपेक्स में क्या कर रहा है। बिकॉज सोचिए अगर आपका आरओई बढ़ रहा है, मतलब आपको पक्का केपेक्स करना पड़ेगा ना, राइट? मतलब अगर आपका टॉप लाइन का ग्रोथ, अगर आप बोल रहे हो कि हम 20% से 15% से ग्रो करेंगे, मतलब उसके लिए नया प्लांट बिठाना पड़ेगा, नया ज्योग्राफी में नया प्लांट्स बिठाना पड़ेगा, पैन इंडिया बनाना पड़ेगा आपको, राइट? और मैं हमेशा चाहता हूं मेरे कंपनीज पैन इंडिया का ख्वाब देख के आगे बढ़े, राइट? आगे जाके देखिए, आगे जाके ये नहीं हो पाया तो मैं अपने स्टॉक को बेच दूंगा, करेक्ट? मेरा कोई प्यार नहीं है कोई स्टॉक से, आई हैव अ वेरी अन इमोशनल मोटिव टुवर्ड्स एनी स्टॉक दैट आई ओन। मैं आया हूँ स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने, कोई कंपनी से प्यार नहीं करने, ना आपको ये बताने कि हर साल देखो मेरा चार्न रेशियो जीरो है। क्या है चार्न नहीं करके, अगर आपका कंपनी परफॉर्म नहीं किया आप सालों साल पैसा नहीं बनाओगे उसमें। गॉट इट? सो चार्न रेट को जीरो रख के कोई इसमें कोई क्रेडिट नहीं है, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। हमको पैसा बनानी है ईयर ऑन ईयर, राइट? सो अभी हम आते हैं, जैसे मैंने बोला मैनेजमेंट का बुलिशनेस और जो आपको केपेक्स से मिलेगा। तो अगर कोई मैनेजमेंट है जो लेट्स से फॉर एग्जांपल केपेक्स का इतना बात नहीं कर रहा है, लेकिन बोल रहा है टॉप लाइन ग्रो करेगा, कैसे करेगा? बिकॉज एग्जिस्टिंग स्टोर से आपको 20-25% का ग्रोथ नहीं मिलेगा, राइट? तो आपको नया स्टोर खोलना पड़ेगा, नया ब्रांचेस खोलना पड़ेगा। गॉट इट? सो दैट्स द होल थिंग। तो इस तरीके का कंपनीज को मैं देखता हूं। अब मैं आता हूं आज के टॉपिक पे, ठीक है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि एक मल्टीबैगर स्टॉक के लिए आपको चाहिए दो चीजें, ठीक है? पहला चीज आपको जैसे चाहिए डबल डिजिट का टॉपलाइन का ग्रोथ। डबल डिजिट टॉपलाइन बोल रहे हो मतलब सेल्स बोल रहे हो, प्रॉफिट का नहीं बात कर रहा हूं यहाँ पे, सेल्स का बात कर रहा हूं। सो डबल डिजिट सेल्स मुझे चाहिए, और डबल डिजिट सेल्स वो कंपनी नहीं कर पाते जो फैला हुआ है, लाइक ब्रिटानिया, एशियन पेंट्स, पीडीलाइट, इनके लिए डबल डिजिट करना भी बहुत डिफिकल्ट होता है, और ये करेगा भी 10-12% करेगा। लेकिन अगर आपको 20% का डबल डिजिट ग्रोथ चाहिए ना, तो आपको एक छोटी कंपनी चाहिए, एक छोटी मार्केट कैप वाला कंपनी, लेट से वो 5 states में है और अभी ख्वाब देख रहे हैं कि अगले 3 साल में वो और 5 state में जाएगा, इस तरीके का कंपनी में आपको देखना पड़ेगा, राइट? तो इस तरीके का मुझे डबल डिजिट चाहिए। उसके साथ मुझे चाहिए ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज का क्या मतलब है कि मुझे चाहिए प्रॉफिट का ग्रोथ टू बी हायर देन सेल्स का ग्रोथ। ध्यान से सुनिए इस बात को, नहीं तो फिर से रिवाइंड करके सुनिए। प्रॉफिट का ग्रोथ मुझे सेल्स का ग्रोथ से ज्यादा चाहिए। क्यों? बिकॉज प्रॉफिट मतलब ही ईपीएस या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, हाउएवर यू लुक एट इट। तो अगर मेरा सेल्स का ग्रोथ लेट्स से 20% हुआ, राइट, तो मुझे प्रॉफिट का ग्रोथ चाहिए मोर देन 20%। इसका क्या मतलब कि मेरे पास ऑपरेटिंग लेवरेज है। ऑपरेटिंग लेवरेज का मतलब है कि आप अपने फिक्स्ड कॉस्ट को ज्यादा इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पा रहे हो। ध्यान से समझो ये बात को, ये बात समझ में आ गया ना, तो आपको मल्टीबैगर स्टॉक्स मिलने में उतना दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? तो सोचिए
टॉप लाइन का ग्रोथ अगर 20% है तो बॉटम लाइन का ग्रोथ लेट्स से अगर 50% है कोई कंपनी का, मतलब आप बोल सकते हो कि इसमें ऑपरेटिंग लेवरेज है। अब ऑपरेटिंग लेवरेज आने में बहुत तरीके होते हैं, तो मुझे वही लगा कि आज थोड़ा ऑपरेटिंग लेवरेज पे ना थोड़ा डिटेल में बात करते हैं, तीन एग्जांपल्स लेके, ठीक है, जिसमें लेट्स से फॉर एग्जांपल ये जो सारे जो मैंने क्राइटेरिया बोला ये सब कुछ सेटिस्फाइड होता है इसमें। तीन क्या, मैं चार पांच छह एग्जांपल्स भी मैं ले सकता हूँ, चलो देखते हैं जो भी दिमाग में आएगा हम बात करेंगे उसके। सो अब बात करते हैं पहले कंपनी का, ठीक है, ये एक पेन बनाने वाली कंपनी है, ठीक है, एकदम एक ये जो पेन का पेन है ये इस तरीके का एक पेन बनाने वाला कंपनी, उसका नाम है लिंक, ठीक है, लिंक लिमिटेड, आपने देखा होगा राइट, लिंक का पेन हम सबने अपने बचपन में स्कूल कॉलेजेस में यूज किया है। तो लिंक में अगर आप देखोगे लिंक का रिजल्ट अच्छा है, मतलब अगर आप देखोगे उनका टॉप लाइन का ग्रोथ क्वार्टर वन में 14% है, लेकिन बॉटम लाइन का ग्रोथ इससे कतई ज्यादा है। Why? Because इनके पास ऑपरेटिंग लेवरेज है। अब ऑपरेटिंग लेवरेज आने में बहुत रीजंस हो सकता है, एक है कि लाइक से फॉर एग्जांपल आपके रॉ मटेरियल कॉस्ट घट गया और लेट्स से आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल गया, ठीक है। तो से फॉर एग्जांपल ये कौन सा एग्जांपल है, जैसे ब्रिटानिया एशियन पेंट्स बर्जर पेंट्स का एग्जांपल, थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहा हूं लिंक से, ठीक है, लिंक दिमाग में रखना, लिंक में हमारा है। तो सोचो अगर आपका टॉप लाइन का ग्रोथ सिंगल डिजिट है तो मुझे ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं चाहिए उस कंपनी में, इवन आ भी रहा है मतलब उसका रॉ मटेरियल प्राइस कम हुआ इसीलिए आ रहा है, करेक्ट। जैसे आप अगर आप ब्रिटानिया का रिजल्ट देखोगे उसका टॉप लाइन का ग्रोथ हुआ कुछ 7% to 9% के आसपास, लेकिन उनका बॉटम लाइन का ग्रोथ हुआ 36%। क्यों? बिकॉज उनका जो रॉ मटेरियल प्राइसेस है, वीट हो गया, फ्लावर हो गया, मिल्क हो गया, इनका प्राइस पिछले साल से थोड़ा बहुत कम हुआ है, इसके वजह से क्या हुआ कि इनका बॉटम लाइन का ग्रोथ मिला है। और जितना बड़ा कंपनी है ना वो सिर्फ आपको ना कॉस्ट कटिंग का बात करता रहेगा, मुझे ऐसे कंपनीज नहीं चाहिए जो कॉस्ट कटिंग का बात करता है। वही कंपनी कॉस्ट कटिंग का बात करता है जिनका टॉप लाइन का ग्रोथ नहीं आ रहा है फ्यूचर में, मैनेजमेंट आपको घुमा के यही बता रहा है कॉस्ट कटिंग करो, लेकिन टॉप लाइन 15-20% करने के बाद अगर कॉस्ट कटिंग करोगे तो और भी ऑपरेटिंग लेवरेज आएगा, तो उस तरीके से सोचिए। अभी हम लिंक का बात करते हैं, लिंक में ऐसा क्या हुआ जबकि लेट्स से बॉटम लाइन का ग्रोथ वाज फार हायर देन अ टॉप लाइन ग्रोथ ऑफ 14%। इसका आंसर है चेंज इन प्रोडक्ट मिक्स, ये ध्यान से सुनिए, ठीक है। ये अगर आपका बॉटम लाइन का ग्रोथ टॉप लाइन से ज्यादा है इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ रॉ मटेरियल प्राइसेस घटा के हुआ है, राइट, मतलब घट के हुआ है, क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइसेस कब तक घटेगा, है ना। दूसरी चीज, एम्प्लॉय का सैलरी आप कब तक घटा घटा के ऑपरेटिंग लेवरेज दिखाओगे, वो भी नहीं कर पाओगे। लेकिन ऑपरेटिंग लेवरेज दिखाने का सबसे बड़ा तरीका जो मैंने देखा है इंडिया में मल्टीबैगर स्टॉक्स में, इवन ये सारे जो कंपनीज का जो हम एग्जांपल लेंगे, ये आ रहा है विद चेंज इन प्रोडक्ट मिक्स। मतलब क्या, मतलब ये कंपनी पहले जो प्रोडक्ट्स बनाता था अभी एक नया प्रोडक्ट उसमें इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। अब इंट्रोड्यूस करने के बाद क्या हुआ, वो प्रोडक्ट वो कंपनी ने अपना वो ब्रांड को यूज करके एक हाई वैल्यू में बेचा। मतलब क्या, अगर उनका वॉल्यूम भी नहीं बढ़ा लेकिन उनका वैल्यू बढ़ गया। वैल्यू का मतलब क्या है, उनके उनका प्राइसिंग आ गया। अब यही लिंक का एग्जांपल लेते हैं, उनका अगर आप देखोगे पोर्टफोलियो में एक पेन है उसका नाम है पेंटोनिक करके। लिंक अगर आप देखोगे 2019 से पहले वो सिर्फ 5-7-10 रुपए के अंदर का पेन्स बेचता था, एकदम कॉमोडिटी मतलब कॉमोडिटाइज्ड एक कंपनी था, ज्यादा कुछ होता नहीं था। लेकिन 2019 से अब देखोगे जब वो पेंटोनिक पेन लाया वो 10 रुपए में लाया, और अब देखोगे 10 से लेके 50 के रेंज में उनके पास 2-3 टाइप का पेंटोनिक का पेन है। इवन आज भी अगर आप देखोगे, मैं जब उनका कॉन्कॉल ट्रांसक्रिप्ट पढ़ा तो उन्होंने ये क्लियरली बताया कि गोइंग फॉरवर्ड वो पेंटोनिक पे ही सिर्फ फोकस करेगा। सो व्हाट वाज पेंटोनिक पेन का परसेंटेज टू टोटल सेल्स बैक इन 2019? जीरो, बिकॉज वो तो था ही नहीं ना जब उसने इंट्रोड्यूस किया। आज अगर आप देखोगे पेंटोनिक का सेल इज अप्रोक्सीमेटली 36% ऑफ टोटल सेल्स। इससे क्या हुआ, कंपनी का ग्रॉस मार्जिन 21% से 32% में चला गया। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई, बिकॉज पेंटोनिक जब आपने बेचा आपको वही कॉस्ट पे आपको ज्यादा वैल्यू मिला, कस्टमर ने आपको ज्यादा पैसा पे किया। गॉट इट। सेम एग्जाम्पल सोचिए वरुण बेवरेजेस में स्टिंग, ठीक है, क्योंकि 2019 में स्टिंग जो एनर्जी ड्रिंक था, वरुण बेवरेजेस को लगा यार हमारे कंट्री में तो कोई एनर्जी ड्रिंक है ही नहीं जो 20-25 रुपए में है, आइदर रेडबुल पीते हैं लोग 100-125 रुपए देके, या फिर कुछ था ही नहीं, पूरा वर्जिन मार्केट था यहाँ पे। तो उन्होंने क्या किया, 20 रुपए का स्टिंग का बॉटल लाया। आप भी देखे होंगे आपके घर के आसपास बहुत स्टिंग के बॉटल को रेड कलर में मिलता है, राइट। तो उन्होंने क्या किया, 20 रुपए का स्मॉल एसकेयूज में बॉटल्स लाया। और स्मॉल एसकेयूज क्यों, बिकॉज इंडिया इज अ वॉल्यूम ड्रिवन मार्केट। इंडिया में आप 100 रुपए का सामान लाओगे तो उतना वॉल्यूम आपको मिलेगा नहीं, राइट। और हर जगह में फैला दिया क्योंकि उनके पास चिलर है पेप्सी का, तो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है वेस्ट में और साउथ इंडिया के मार्केट में भी घुस गया है। तो इससे क्या हुआ, उनको वॉल्यूम ग्रोथ भी मिला, और जहां जहां वो फैल गया पेप्सी के साथ स्टिंग भी बेचने लग गया। तो इससे क्या हुआ, इससे यही हुआ कि अगर आप पिछले 3-4 साल में देखोगे ना, वरुण बेवरेजेस का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का ग्रोथ
इज फार हायर देन सेल्स का ग्रोथ. सेल्स शायद 4 साल में दुगना हुआ एंड पैट शायद आई गेस 4-5 साल में 4-5 गुना हो गया. आई डोंट नो, आप एक बार जाके स्क्रीनर में जाके डेटा देख सकते हो, मैंने एक्चुअली देखा नहीं है. बट द पैट ग्रोथ वॉज हायर देन सेल्स ग्रोथ बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, और वो ऑपरेटिंग लेवरेज आया बिकॉज वो स्टिंग लाया. आज पता है वरुण बेवरेजेस क्या कर रहा है? वो यही चीज कर रहे हैं गेटोरेड पे, ठीक है. तो जो गेटोरेड है वो स्पोर्ट्स ड्रिंक है, करेक्ट. अब गेटोरेड को वो 20-20 रुपए में ला रहा है, और गेटोरेड को वो ही सेम स्टिंग के तरह करेगा. सो स्टिंग एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल पोर्टफोलियो इज नाउ 15% के आसपास, गॉट इट. तो 20 रुपए का पेप्सी बेच के जो मार्जिन आता था, 20 रुपए का स्टिंग बेच के मार्जिन ज्यादा आता है. लिंक में सोचिए पेंटोनिक जो पेन है वो बेच के मार्जिन ज्यादा मिल रहा है इसको. सो अगर मैं थोड़ा सा इसका बात करूं, लाइक जैसे मैंने वो डेटा बोला कि लिंक का कि 20% से 32% उनका ग्रॉस मार्जिन हो गया पेंटोनिक पेन बेच के, और आगे जाके कंपनी को सिर्फ पेंटोनिक ही बेचना है, सही है ना? बिकॉज वो आपका 5-7 रुपए का जो कॉमोडिटाइज पेन, जो लिंक का जो ओरिजिनल जो लेगेसी प्रोडक्ट है वो बेच के आपको क्या फायदा है ना? आपको पेंटोनिक जैसा पेन्स बेचना है जो आप 30-40-50 रुपए में भी आप बेच सकते हो, राइट. तो दूसरा हो गया आपका वरुण बेवरेजेस. एक और कंपनी का मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, मैनकाइंड फार्मा. मैनकाइंड फार्मा आप देखे हो, राइट. आप सबने लाइक ये तो देखे ही होंगे, लाइक मैनफोर्स का कॉन्डम, फिर उसके बाद प्रेगा न्यूज, करेक्ट. ये सब इनके ब्रांड्स है, राइट. तो मैनकाइंड फार्मा ने क्या किया, उनको समझ में आया कि दो टाइप का मेडिसिन होते हैं. मेडिसिन मतलब दो टाइप का डिजीजेस होते हैं. एक होते हैं क्रॉनिक. क्रॉनिक का मतलब क्या, जैसे डायबिटीज, शुगर, राइट, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस. ये कस्टमर डेली मेडिसिन लेते जा रहे हैं, करेक्ट इनका. और दूसरा है से फॉर एग्जांपल आपको 6-8 महीने में एक बार बुखार आता है तो आप जाके एक पैरासिटामोल ले लेते हो या 2 सैरिडॉन ले लेते हो साल में 4 बार जब आपको सर दर्द होता है, राइट. तो इस कंपनी को समझ में आया कि अगर हम क्रॉनिक सेगमेंट पे जाए तो हमारा मार्जिन बढ़ेगा, करेक्ट, और उससे हमें ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा. तो अगर मैं थोड़ा सा आपको डेटा बताऊं, मैं यहाँ पे लिख के रखा हूँ. सो मैनकाइंड फार्मा का क्रॉनिक सेगमेंट टू देयर टोटल रेवेन्यू वाज अराउंड 28% बैक इन FY18. वो नंबर बढ़ के 32% हुआ इन FY22, और आज अगर आप देखोगे इन Q1 FY24 द नंबर इज 36%. तो इनका भी यही है ना कि गोइंग फॉरवर्ड ये सेगमेंट को 40-50% तक लेके जाना. बिकॉज अगर आपका कस्टमर रिपीट कस्टमर है, राइट, तो आप उसको ज्यादा खिला सकते हो, करेक्ट. उससे आपका ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलेगा. और बाय द वे ये जो तीनों कंपनीज का मैंने नाम बोला, लिंक, वरुण बेवरेज और मैनकाइंड फार्मा, इन तीनों का मुझे टॉप लाइन का ग्रोथ भी डबल डिजिट चाहिए था, इसलिए मैंने ये कंपनीज का नाम बता रहा हूं. नहीं तो मैं ब्रिटानिया का लेवरेज का बात करता, गॉट इट. सी ऑपरेटिंग लेवरेज विदाउट डबल डिजिट टॉप लाइन ग्रोथ मींस नथिंग. मींस आप सिर्फ आपका खर्चा बचा बचा के आपका पैट का ग्रोथ को सेल्स का ग्रोथ से ज्यादा दिखा रहे हो, दैट मींस नथिंग. बिकॉज एक पॉइंट के बाद आप पैट का ग्रोथ सेल्स के ग्रोथ से ज्यादा नहीं दिखा पाओगे, गॉट इट. लेकिन ये जो मैं तीन कंपनीज का नाम बोला, इसका अगर आप देखोगे लिंक का 14-15% का टॉप लाइन है. वरुण का चलो इस क्वार्टर में थोड़ा डाउन था बिकॉज ऑफ अनसीजनल रेन इन अप्रैल एंड मे अक्रॉस द कंट्री, लेकिन फिर भी उनका 13% का टॉप लाइन का ग्रोथ था. जनरली वरुण का अगर आप देखोगे 15-20% का टॉप लाइन मिलता है इवन एट दिस बेस, राइट. और अगर आप देखोगे मैनकाइंड फार्मा का, इवन उनका भी इतना बड़ा हाई बेस में, बिकॉज अगर आप देखोगे उनका 5-6 लाख डॉक्टर से जो उनका सामान को प्रेस्क्राइब करता है, 5-6 लाख डॉक्टर, 6 लाख नहीं, आई गेस 5-5.5 लाख के आसपास होगा, राइट. तो इतने बड़े बेस में भी दे ग्रू 26% ऑन अ YOY इन Q1 ऑफ FY24. लेकिन सिंस ये क्रॉनिक सेगमेंट पे फोकस ज्यादा आ रहा है टू द टोटल रेवेन्यू, अब मैं आपको बता रहा हूं that the PAT growth, अगर आप तीनों companies का देखोगे, is far higher than the top line का growth. अगर आप Mankind का बात करूं, तो the PAT growth of Mankind, I think is 65% YOY, जबकि top line का growth कितना बताया था मैंने आपको, 26% YOY. तो आज जब एक कंपनी को जब आप ट्रैक कर रहे हो ना, आपको देखना पड़ेगा ऐसा कौन सा प्रोडक्ट वो ला रहा है जिससे ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है उससे, लेकिन वो प्रोडक्ट के साथ मुझे कंपनी का एज एन ओवरऑल बिजनेस का टॉप लाइन भी का ग्रोथ चाहिए, got it. Varna, there is no difference between these kind of businesses and let's say how do I say Britannia, Asian Paints, Budger Paints, un sab ka. A point yahi hai na, Britannia bhi ye cheez kar raha hai, lekin problem ye hai ki Britannia jaise companies mein agar aap milkshake ka la rahe ho, theek hai, lekin Britannia itna bada base ban gaya na ki wo jo milkshake ka segment aur agar dairy product ka segment la bhi raha hai, so उसका जो परसेंटेज रेवेन्यू ऑफ जो डेयरी प्रोडक्ट का होगा विंक इन काउ करके जो है टू टोटल सेल्स विल बी नेग्लिजिबल इवन 5 साल बाद भी, बिकॉज उनका इतना बड़ा बेस बन गया है, राइट. तो ऑपरेटिंग लेवरेज विद अ न्यू प्रोडक्ट बिकम्स डिफिकल्ट इफ यू ऑलरेडी हैव अ बिग बेस, राइट. स्टिंग कैन बी फ्रॉम 0% से 15-13% हो गया है बिकॉज वरुण बेवरेजेस का जो बेस था वो उतना बड़ा नहीं था. आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट. दूसरा एक कंपनी का बात करता हूं,
अच्छा वरुण बेवरेजेस का ही बात करता हूँ एक और लास्ट पॉइंट पे, तो सिर्फ गेटोरेड नहीं, इनका अगर आप देखोगे वैल्यू एडेड डेयरी प्रोडक्ट्स भी ला रहा है, राइट? वैल्यू एडेड डेयरी प्रोडक्ट्स मतलब मिल्क शेक्स। तो ये जो बोल रहा है कि वैल्यू एडेड डेयरी प्रोडक्ट्स का मार्जिन्स विल बी स्टिंग एंड गेटोरेड की तरह होगा। सो गोइंग फॉरवर्ड वरुण बेवरेजेस पेप्सी का खेल रहेगा ही नहीं, वो तो पेप्सी माउंटेन ड्यू यू बेच रहा है, ठीक है, लेकिन उनका मेन खेल होगा स्टिंग, गेटोरेड एंड वरुण बेवरेजेस का। ऑफकोर्स इन्होंने तो क्रीम बेल के साथ वो टाई अप किया, तो क्रीम बेल का जो मिल्क शेक्स निकलता है इन वेरियस एसकेयूज, 15 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए के आसपास का जो आता है। सो और ये क्या करेगा, सिंस वरुण बेवरेजेस के पास चिलर्स है, चिलर्स है जो अक्रॉस द कंट्री, और आज हमारे इंडिया में बाय गॉड्स ग्रेस पावर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जगह अगर आपको पावर का कहीं पे प्रॉब्लम नहीं है तो मतलब आप हर जगह में चिलर और फ्रिज लगा सकते हो, और जिस फ्रिज में आप गांव में जाके पेप्सी और स्टिंग बेचते थे वही पे आप क्रीम बेल का एक स्ट्रॉबेरी का शेक भी डाल दो, राइट? तो लोग वो भी खाने लगेंगे। तो इससे क्या होगा, कंपनी का मार्जिन और आगे जाके और बढ़ सकता है, राइट? या फिर ये जो हायर मार्जिन अभी बना है स्टिंग बेच के, ये मेंटेन रहेगा आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ गेटोरेड जो 20 रुपए का, और द वैल्यू एडेड डेयरी प्रोडक्ट्स। तो मैंने यहाँ पे तीन कंपनीज का बोला, कुछ और इंटरेस्टिंग बातें करता हूँ बिफोर आई एंड दिस छोटा सा वीडियो। इसके लिए एक कंपनी मतलब कुछ कंपनीज का प्रोडक्ट मिक्स चेंज होता है सीजनैलिटी के वजह से। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर, दो नाम बोल सकता हूँ, आदित्य विजन जो आज बिहार बेस्ड एक इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर है, और इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया जो एक आंध्र तेलंगाना बेस्ड एक इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर है। अगेन मैं इन दोनों का बात करता ही नहीं, अगर इनका टॉप लाइन डबल डिजिट से नहीं ग्रो करता, अगर ये लोग एक्सपेंशन नहीं करता, अगर इनका आरओई नहीं होता फलान, वही सेम चीज, ब्ला ब्ला ब्ला, गॉट इट? लेकिन अगर हम थोड़ा सा अभी ऑपरेटिंग लेवरेज के बाद समझ में आते हैं, तो सोचिए इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर को ये क्या करते हैं, ये लोग तो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स बेचते हैं ना, एलजी का एसी बेच दिया, किसी का ओनिडा का टीवी बेच दिया, एप्पल का आईफोन बेच दिया एंड ऑल दैट। लेकिन हर प्रोडक्ट का मार्जिन अलग होता है कंपनी का। थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, इफ यू आर एन इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर, राइट, हाई मार्जिन प्रोडक्ट क्या है, अगर आप कूलिंग कंप्रेशन प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, मतलब अगर आप देख रहे हो कि एसी में, कूलर में, रेफ्रिजरेटर में मार्जिन ज्यादा होता है, उसके बाद मतलब 19-20 का परसेंटेज का ग्रॉस मार्जिन होता है, ठीक है, उसके बीच मगर 15-17% के आसपास का ग्रॉस मार्जिन होता है वॉशिंग मशीन में, माइक्रोवेव में, और सबसे कम मार्जिन होता है मोबाइल फोन्स और लैपटॉप्स में जो 9-10-11% के आसपास होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रॉस मार्जिन फॉर द कंपनी, आई एम टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर, नॉट द ओरिजिनल ओईएम जो बना रही है। अब ये सोचिए जब समर आता है, जैसे अप्रैल में, जून में, अब देखोगे ये कंपनीज बेटर करते हैं। क्यों? समर के टाइम जब 30-35 डिग्री का टेम्परेचर रहता है तो लोग ज्यादा एसी खरीदते हैं, राइट? तो इस कंपनी का अगर आप देखोगे इनका ऑपरेटिंग मार्जिन्स, मतलब इनका ऑपरेटिंग लेवरेज बूम होता है इन Q1, राइट? बिकॉज़ सब एसी ज्यादा खरीद रहे, तो इनका प्रोडक्ट मिक्स, मतलब अगर वो 100 सामान बेचे उसमें से एसी और फ्रिज ज्यादा बेचेगा बिकॉज वो कूलिंग प्रोडक्ट्स है, राइट? तो इसके वजह से इनका ऑपरेटिंग लेवरेज और ज्यादा मिलता है Q1 में। अब लॉजिकली सोचिए Q3 में और Q4 में अगर आप देखोगे, जब स्पेशली जैसे Q4 पकड़ लो, Q4 इनके लिए उतना अच्छा क्वार्टर नहीं होता है। क्यों? बिकॉज जैन फेब मार्च वो हम विंटर से थोड़ा थोड़ा स्प्रिंग में आ रहे, उस टाइम पे लोग उतने एसी नहीं खरीदते हैं, और वैसे भी उस टाइम पे इनको एसी बेचना भी है तो डिस्काउंट देते हैं, प्रमोशन चलाते हैं, तो उसमें भी कंपनी का खर्चा बढ़ता है तो मार्जिन घटता है, तो उस टाइम पे मोबाइल फोन ज्यादा बेचते हैं। और मैंने आपको क्या बोला कि मोबाइल फोन्स और लैपटॉप में मार्जिन कम होते हैं, इसलिए आप देखोगे ऑपरेटिंग लेवरेज इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ सीजनैलिटी एज वेल इन सम बिजनेस मॉडल्स, राइट? जैसे आदित्य विजन हो गया और आपका इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया हो गया। तो अगर आपके पास स्केल है, राइट, और स्केल के साथ आप लेट से एसी का एसी एज अ परसेंटेज ऑफ योर प्रोडक्ट मिक्स कीप्स गोइंग अप एवरी ईयर ऑन ईयर, तो ऑटोमेटिकली आपका पैट का ग्रोथ विल बी हायर देन सेल्स का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर, राइट? और आप आपका मार्जिन्स को प्रोटेक्ट कर पाओगे। जैसे आदित्य विजन और इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया दोनों ने कॉन कॉल में एक चीज क्लियरली बताया कि गोइंग फॉरवर्ड हम अपने ये मार्जिन्स को तो प्रोटेक्ट कर पाएंगे। सो यही पॉइंट है, वेरी सिंपल है। अब आपको आगे समझ में आ गया कि मैं किस तरीके का कंपनीज में इंटरेस्टेड हूं, ठीक है? ये जो मैंने 5-6 नाम बोला उसमें से 2-3 नाम मेरे पोर्टफोलियो में है, राइट? लेकिन मैं एक एक्टिव इन्वेस्टर हूं। मैं लास्ट में आपको एक ही चीज बता रहा हूं, ठीक है? ये सब तो हो गया कहानी, राइट? कहानी मतलब आज की कहानी है जिसपे मैं इन्वेस्टेड हूं। ऑफ कोर्स कुछ कंपनीज में मैं सालों से हूं, 1-2 साल से हूं, कुछ कंपनीज में मैंने रिसेंटली एक्वायर किया, राइट? लेकिन मुझे इनको ट्रैक करनी है ना। अगर मैं आगे जाके देखता हूं कि लाइक स्टोर एक्सपेंशन के बाद लेट से इनका मार्जिन घट गया, या फिर मैं देखता हूं कि स्टोर एक्सपेंशन के चक्कर में
मतलब क्योंकि देखिए पॉइंट यही है, हमें बिजनेस को ट्रैक करना है और देखना है कि मेरा मार्जिन्स प्रोटेक्टेड है कि नहीं, राइट, मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज जारी है कि नहीं, राइट। और मुझे हमेशा चाहिए ए, जैसे मैंने बोला मुझे टॉप लाइन का ग्रोथ चाहिए डबल डिजिट में, प्रेफरेबली अराउंड 20% के आसपास, क्योंकि 20% के नीचे अगर टॉप लाइन ग्रोथ है ना तो मैं उस कंपनी में उतने इंटरेस्टेड रहता नहीं हूँ, और मेरे पोर्टफोलियो में अगर कुछ कंपनीज है तो मैं उसका पोजीशन थोड़ा थोड़ा करके काटने लगता हूँ, बिकॉज मैं एक एक्टिव इन्वेस्टर हूँ और मेरे पैसा हमेशा परफॉर्मेंस के पीछे रहेगा। सिंपल सी पॉइंट है, ठीक है। मुझे कोई कंपनी के साथ मरना नहीं है ग्रे में, ठीक है। मुझे पैसा बनानी है हर साल 20-25-30% का CAGR करनी है पोर्टफोलियो में, चाहे मेरा शायद मेरा स्टॉक्स पूरा लिस्ट ही ना बदल जाए, राइट। लेकिन मैं एक कंपनी को ट्रैक करता हूँ, और अगर मेरा फंडा यही है कि हर क्वार्टर का जब रिजल्ट आता है ना, मैं सोचता हूँ कि मैं इस कंपनी को बेचूं, वो कंपनी को मुझे प्रूफ करके दिखाना है एवरी क्वार्टर ऑन क्वार्टर के मैं उसको क्यों ना बेच पाऊं। समझो डिफरेंस को, मेजॉरिटी इन्वेस्टर्स एक स्टॉक को लेके फिर उसका ढिंडोरा पीटने लगते हैं ट्विटर में, ठीक है, कि ये तो मैंने लिया है ये अच्छा ही होने वाला है, एंड दे गेट स्टक, मेनी अ टाइम्स दे गेट स्टक, समटाइम्स सम पर्सन कम आउट और उसको लेके नया नया कहानी बनाते हैं, बट मेजॉरिटी पीपल गेट स्टक। मैंने जितना भी पोर्टफोलियोस देखा है ना रिटेल इन्वेस्टर में, सबके सब स्टक है कोई ना कोई स्टॉक में, और फिर अपना सब लॉसेस देखता रहता है और लाइफ को मिजरेबल बना दिया है लोगों ने, क्योंकि सबको अपने कॉस्ट प्राइस में बेचना है, राइट, किसी को तो लॉस आना नहीं है, लेकिन इसके चक्कर में दे आर लूजिंग आउट ऑन द मोस्ट प्रेशियस थिंग टू देम व्हिच इज देयर टाइम। टाइम चला जा रहा है आपका, राइट। तो यहाँ पे क्या है, मुझे सिर्फ ये देखना है कि मेरे कंपनीज को मैं बेच पाऊंगा कि नहीं, वो है मेरा मेंटालिटी। लेकिन अगर मेरा कंपनी का टॉप लाइन का ग्रोथ डबल डिजिट होता रहा, मैनेजमेंट जो कमेंट्री दिया जिसके वजह से मैंने लिया, और वो कमेंट्री के अनुसार एग्जीक्यूशन चलता रहा, मुझे ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता रहा, नया ज्योग्राफी में मैं जाता रहा, प्रोडक्ट मिक्स इंप्रूव होता रहा, मैं उस स्टॉक में और पैसा डालूंगा जब वो स्टॉक ऊपर जाएगा। खेल यही पे है, मैं पैसा बनाता हूं हमेशा जब एक स्टॉक ऊपर जाता है, बिकॉज ऊपर तब एक स्टॉक जाता है जब उसके पीछे डिमांड होता है, और डिमांड तब आता है जब कंपनी कुछ अच्छी कर रही हो, राइट। सो ये बनता है पूरा मोटा मोटी सीन, राइट। ये सब सेकुलर बिजनेसेस है, सबके पास एक ब्रांड है, कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन मुझे नाम आपको लेना ही पड़ा, वरना ये तो सिर्फ एक एकेडमिकल MBA क्लास बन जाता। सो आई होप आपको ये समझ में आया। If you have any other questions, you please let me know in the comment section. और आप मुझे DM भी कर सकते हो, ट्विटर में मेरा DM ओपन है, I will be happy to answer all of you. Thank you so much.